वीर, इस जगह तुम दोबारा कुटिया मत बनाना। हमें इस जगह का निरीक्षण करना है काली शक्तियों के प्रभाव को जानने के लिए। हम तुम्हारे रहने की व्यवस्था महल के पास करवा देंगे। अब तुम्हें महल की सुरक्षा पर और अधिक ध्यान देना होगा। राज्य में फैली हुई काली शक्तियों को मिटाने के लिए हमें सात्विक शक्तियों का विस्तार करना होगा, और उस प्रक्रिया को हम तुम्हारी कुटिया से ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि काली शक्तियों का नवीनतम आक्रमण इसी कुटिया से हुआ था। तो आप ये कहना चाह रहे कि आप चंद्रभान को इसलिए अकेले छोड़कर गई क्योंकि वीर की कुटिया जल गई थी? माँ, वीर ने कई बार हमारे प्राणों की रक्षा की, क्या हमें उसकी चिंता करने का भी अधिकार नहीं? राजकुमारी, कहीं वीर ही तो वो नहीं जिसे आप प्रेम करती? क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है वो शख्स कौन है? आपने हमसे कहा रिश्ता तोड़ दो, तोड़ दिया हमने रिश्ता। आपने हमसे कहा कि किसी अनजान व्यक्ति को समर्पित कर दो खुद को, वो भी किया हमने। विवाह के लिए हाँ कह दिया है हमने। आप क्यों पूछ रही हैं हमसे इतने सवाल? हमने तो आपके सारे आदेशों का पालन किया। अब हमें अपनी बेटी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए ना। हम अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। हमें अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है राजकुमारी, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। हम केवल आपसे इतना ही कहने आए थे कि राजकुमार चंद्रभान आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों, क्यों मिलना चाहते हैं? विवाह के लिए हाँ कह चुके हैं हम। अब तो आपको विवाह की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अब हमें उनसे या किसी से भी मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम आपसे मिलना चाहे तो क्षमा चाहते हैं, हम आपकी अनुमति के बिना आपके कक्ष में आए। राजकुमारी आइए। राजकुमार, वो राजकुमारी तो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उनका कक्ष से बाहर जाने का मन नहीं है, किंतु आप आ ही गए हैं तो आप दोनों यही वार्तालाप कर लीजिए। हम चलते हैं।
राजगुरु जी, ये करने से क्या होगा? ये सात्विक शक्तियों का पुंज है। सात्विक शक्तियां इसमें से निकलकर वातावरण में घुल जाएंगी और उसमें से उन बुरी शक्तियों को सामने ले आएंगी जिन्होंने इस क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश किया है। ठीक है? हाँ राजकुमारी, पता नहीं शायद हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हम अपने पक्ष में जाकर थोड़ा विश्राम करते हैं राजकुमार। सात्विक शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। जब तक मेरी मणि मेरे हाथों में नहीं आ जाती, ये सात्विक शक्तियां मुझे श्वासहीन करती रहेंगी। मुझे जल्द से जल्द अपनी मणि तक पहुंचना ही होगा। राजकुमार, आपने प्रातः से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए ना। मैं भूख नहीं। उत्तरा तुम ही कुछ समझाओ राजकुमारी को। राजकुमारी, आप स्वयं को यूं दंड क्यों दे रही हैं? ऐसे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है किसी को। हम किसी चीज के लायक हैं ही नहीं, ना पिताजी के भरोसे के, ना वीर के प्रेम के, ना तुम्हारी चिंता के। हमें अकेला छोड़ दो, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। जाओ यहां से।